अभी शेयर द लिंक चेतन जी जी अभी अभी शो नहीं हुआ है आपके पेज में। जी नहीं स्टार्ट हो गया। जी अब इसको बस 2 मिनट दीजिए, मैं इसको अपने वेब पेज पे जी मैंने इसको वॉच वॉच पार्टी स्टार्ट किया है। राइट सर, शेयर ऑन अ पेज। जी ये स्टार्ट हो गया है। राइट सर, सो यू कैन स्टार्ट। मिनट बस दीजिए एक बार। हाँ जी नमस्कार, आज आप आईडीएसए के सभी डायरेक्ट सेलर्स, हमारे सभी व्यूअर्स का, और सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इसको समय पे आज हमारे बहुत ही स्पेशल वेबकास्ट को शुरू नहीं कर पाए। लुक्स लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड जूम यूट्यूब पे सर्वर काफी बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से लोड कुछ एक्स्ट्रा हो गया है। सो एनीवेज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड वेलकम टू दिस स्पेशल वेबिनार और इंटरनेशनल योगा डे। योग जैसा कि हम जानते हैं, हैज बीन प्रूवन कि योग हमें फिजिकल वेलबींग के अलावा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है, और इम्यूनिटी स्पेशली इस महामारी के दौर में जब हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, मेरा मानना ये है कि योग के द्वारा हम ना केवल अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी अपने आप को सुरक्षित रखें। योग की शुरुआत सही सही कब से हुई ये बताना शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जिसे हम कहते हैं प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशंस में, ऋग्वेद में और उपनिषद में भी इसका जिक्र आता है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं अराउंड 3000 BCE, योग का शायद फर्स्ट मेंशन वहां भी होता है। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने यूनाइटेड नेशंस असेंबली के एड्रेस में सजेस्ट किया था कि विश्व को 21 जून का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाना चाहिए। 21 जून के पीछे भी एक कारण है कि 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 21 जून का जो दिन है वो सबसे लंबा दिवस माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी पॉपुलेशन रहती है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं 90% धरती की आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहती है, सो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मान्यता दी गई और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज हमारे साथ दो बहुत ही विशेष अतिथि हैं, अतिथि की जगह मैं उन्हें योगाचार्य कहूंगा। मैं आपका एक छोटा सा उनसे परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ सबसे पहले हैं डॉक्टर सुबोध, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शूलिन यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश में, आप डबल MSc हैं जूलॉजी में और योगिक साइंसेज एंड होलिस्टिक हेल्थ में।
इसके अलावा आपने पीएचडी किया है योगिक साइंसेज में। मेरा मानना ये है, हिंदुस्तान में योग सिखाने या पढ़ाने वाले दो किस्म के लोग हैं, एक जिन्होंने कहीं से देख के या सुन के सीखा है और एक जिन्होंने इन डेप्थ स्टडी की है हमारे स्क्रिप्चर्स को, हमारी बुक्स को। ऑथेंटिक योगा क्या है? डॉक्टर सुबोध उन चंद हस्तियों में से एक है जिन्होंने ऑथेंटिक योगा क्या है इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी है, पूरी स्टडी करी है, और आपकी स्पेशलिटी है ऑथेंटिक योगा को किस तरह योगा के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ समन्वित किया जाए। आपके पास एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का योगा के लिए। अगर मेरे को कुछ ऑर्गेनाइजेशन याद आते हैं तो इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, इसके अलावा असंख्य भारतीय और विदेशी डेलीगेट्स, इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आयुष, UPSC और ऐसे न जाने कितने सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आप रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुबोध की एक और खास बात है, ये काफी समय तक आयुष के साथ भी जुड़े रहे हैं, और योग को किस तरह आयुष पद्धति के साथ समन्वित किया जाए इसके ऊपर इन्होंने काफी कॉन्फ्रेंसेस को भी एड्रेस किया है, जिसमें साउथ कोरिया, चाइना, अफ्रीका, जापान से भी डेलीगेट्स आते हैं। आपके द्वारा लिखे गए रिसर्च वर्क जो है वो नामी जर्नल्स में प्रकाशित होते रहते हैं, और इसके अलावा आप लोकसभा चैनल पर आने वाले प्रोग्राम योग निरोग पे भी एक रेगुलर गेस्ट हैं। सो नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के वेबिनार में। डॉक्टर माला भी आज हमारे साथ है यहाँ। डॉक्टर माला के बारे में एक थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शुलिन यूनिवर्सिटी योगा साइंसेज में हिमाचल प्रदेश। आपने भी MSc किया है योगा साइंसेज में एंड PhD इन योगा साइंसेज। आपके पास क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से लेवल 2 का सर्टिफिकेशन भी है, जो कि एक बहुत ही विशिष्ट सर्टिफिकेशन है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। और इसके अलावा आप CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के साथ भी जुड़ी रही हैं। आपके पास भी असंख्य सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसिस को अटेंड करने का, एड्रेस करने का एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा आपके द्वारा लिखा गया एक रिसर्च पेपर जिसमें नाड़ी शोधन और प्रकाशन प्राणायाम से डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के हीमोग्लोबिन लेवल पर होने वाले असर को काफी सराहा गया है, तो इस पे भी हम जरूर जानना चाहेंगे। इसके अलावा आपके द्वारा करी गई न्यूमरस वर्कशॉप, UPSC, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पर रेगुलर समय पे आप कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं समय समय पर, और काफी आपको प्रशंसा मिलती है। सो बिना आप लोगों का ज्यादा समय व्यतीत किए मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर सुबोध और डॉक्टर माला को। एंड डॉक्टर साहब, आपसे हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी आज आपको देख रही है, इस समय COVID-19 के सिचुएशन में ये शायद थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है अपने भविष्य को लेकर, तो हम जानना चाहेंगे योग की हेल्प से ये अपने को किस तरह अपने आप को इम्यून रख सकते हैं, अपने आप को रिज्यूविनेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बैक टू यू। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं श्री चेतन भड़वा जी का और श्री कमलकांत जी का, मिस्टर अभिषेक जी का, जिन्होंने ये इतना अच्छा ऑनलाइन सेशन अरेंज किया आज अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर। ये बहुत हर्ष की बात है कि पूरा आज पूरा विश्व, भारत के साथ पूरा विश्व आज छठा अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मना रहा है, और शुल्ली विश्वविद्यालय भी इसमें भी पीछे नहीं है। शुल्ली विश्वविद्यालय ने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए इस विषय को लेकर के। हमने शुल्ली विश्वविद्यालय से 2 दिन का अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल सिंपोजियम भी किया, जो हमारा बहुत ग्रैंड सक्सेस जिसको मिली, बहुत अच्छे बहुत सारे कंट्रीज से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो करीब करीब 8 से 10 कंट्री से लोग हमसे जुड़े रहे। तो हमने बहुत सारे इवेंट्स किए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, और जैसा चैतन्य जी ने कहा कि आजकल का जो समय है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक फियर्ड है, इसको हैवोक है कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, और इसमें योग कैसे फायदा करेगा, योग से क्या फायदा मिलना है, तो ये तो पूरी तरह से जाहिर है, जग जाहिर बात है कि इस कोरोना के भय के दौरान विश्व में योग को बहुत प्रोत्साहन मिला है। योग पहले से एक अच्छी विधा थी, योग को पहले भी बहुत प्रोत्साहन मिला है, लेकिन कोरोना काल में योग ने लोगों का साथ दिया है और लोगों को बचाया है, तो ये योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में हम अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आप स्वस्थ हैं, तो लोग सिंपली कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं। लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं,
एक पढ़ा लिखा व्यक्ति से बात करें तो शायद वो इतना बोल देगा कि मैं फिजिकली और मेंटली फिट हूं तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं। लेकिन अगर हम टेक्स्ट में जाएं, थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ें, थोड़ा सा करंट सिनेरियो को देखें, डॉक्टर से मिलें, WHO की बात करें, तो स्वस्थ होने के लिए तीन डायमेंशन होते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली। कुछ समय पहले इसमें स्पिरिचुअली भी था, अभी तो हम तीन अवयव को लेते हैं। फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। तो योग एक ऐसा अंग है, एक ऐसी विधा है कि जिसका पालन करके हम फिजिकली, मेंटली और सोशली पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। इसलिए ही शायद योग को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता चला गया। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कुछ बोले। बहुत सारा भंडार आपने इकट्ठा कर रखा था भारद्वाज सर। योग कहाँ से आया, 21 जून क्यों मनाया जाता है? तो सच बात है, योग हमारे ऋग्वेद से आया। अब ऋग्वेद से आया है तो वेदों की बात होती है, उपनिषद की बात करते हैं हम, तो सब में कहीं ना कहीं योग को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अगर बात करें आया कहाँ से, तो ऋग्वेद से आया। अगर ये भी होता है कि योग किसने दिया, तो योग में भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग। तो जो बेसिकली हम डेली लाइफ में अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो है हमारी हठ योग की प्रैक्टिस। हठ योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद। अब योग भी खाली आसन नहीं है, लोगों का मानना है थोड़े से अभ्यास कर लिए, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया और हमारा योग पूरा हो गया। नहीं, ये गलत है। योग में अष्टांग योग की बात भी आती है, षडंग योग की बात भी आती है, चतुरंग योग की बात भी आती है। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डायमेंशन दिए हैं योग के, और ये सारे किसमें आते हैं, हठ योग में। यानी जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसन की, प्राणायाम की, मुद्राओं की, बंद की, ध्यान की, ये सारा किसमें आता है, हठ योग में आता है। अब बारी आती है हठ योग दिया किसने, तो हठ योग दिया है हमारे आदिनाथ शिव ने। कहते हैं कि थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाऊंगी, आदिनाथ शिव ने ये जो हठ योग की विद्या है ये माँ पार्वती को दी थी, और माँ पार्वती ने जब ये सुन रही थी इस विद्या को, तो वहां पे एक फिश थी, मछली थी, वो इसको सुन रही थी। जब पूरी विद्या माँ पार्वती को शिव जी ने दे दी, तो उस फिश ने सब कुछ, उसने भी गेन कर लिया उस विद्या को। तो जब उसको देखा भगवान शिव ने, तो उसको एक आशीर्वाद दिया कि उसको ब्लेस्ड किया कि जाओ, तुम्हारा अगला जन्म जो होगा वो एक योगी का होगा, और इस विद्या को आप पूरे संसार में फैलाओगे। और वो योगी फेमस हुए मत्स्येंद्र नाथ। क्यों? क्योंकि जो फिश है, मछली है, उसका संस्कृत वर्ड है मत्स्य, और मत्स्य से ही उनका नाम पड़ा। अगला जो उनका जन्म हुआ, मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने फिर योग को, हठ योग को, जो जिसको आप आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, षटकर्म, धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं, ये सारी चीजें किसने आगे प्रस्तुत की, मत्स्येंद्र नाथ जी ने। अब मत्स्येंद्र नाथ के भी डिसाइपल्स हुए, और धीरे 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 ये विद्या क्या हुई, पूरे विश्व में फैलती चली गई। तो ये है छोटा सा हठ योग का सार। माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जी, एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा है। और एक ये यहाँ से योग की उत्पत्ति हुई है, ऐसे हठ योग का उत्पत्ति हुई। एक योगाचार्य होने के नाते हम दोनों का ये मानना है कि अगर आपको योग को समझना है तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, अनुभव, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए हम कभी योग को समझ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि हिंदुस्तान में एक मिठाई होती है लड्डू, वो कैसी होती है, और हम विदेश में जाकर के बताएं कि लड्डू गोल होता है, वो लाल रंग का होता है, खाने में मीठा लगता है, तो कभी भी सामने वाला लड्डू को नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम उसको एक लड्डू खिला दें तो बहुत कम शब्द बोल करके हम उसको एक्सपीरियंस करा देंगे लड्डू कैसा होता है। योग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बोलते रहे योग से फिजिकल हेल्थ मिलती है, मेंटल हेल्थ मिलती है, स्पिरिचुअली हम डेवलप होते हैं, सोशल हमारा अच्छा होता है, हमारा हमारा इकोनॉमिकल अच्छा होता है, हमारा इमोशंस मजबूत होते हैं, तो ये कहने की बात होगी। लेकिन जिसने योग को कर लिया उसने सब समझ लिया। इसलिए हम लोग का निवेदन है हम आज अभ्यास ही करें, यहाँ पर अभ्यास शुरू करते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकल के बिना सब योग हमारा अधूरा है। तो बिना प्रैक्टिकल के आप जान भी नहीं पाएंगे कि हमें कौन सी चीज करनी है। और जैसे बात की अभी सर ने कि कोरोना की वजह से लोगों में एक फियर बैठा हुआ है, मानसिक तनाव, हम अपने इम्यून पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मानसिक तौर से कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, टेंशन को कैसे दूर करें। तो जो आज हमने पैकेज बनाया है उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व है कि इस दौरान आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो योग केवल सुनना नहीं है, करना भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हर्ष की बात है कि आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है जी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अगर हमने योग नहीं किया तो हमारा दिन पूरा नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को
पूरा कैसे करेंगे, योग अभ्यास करके। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप में से आप सभी लोग हम लोग हमारे साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। तो आप जहां भी हैं अपनी जगह पर बैठ जाएं, किसी भी शांत स्थान पे जहां भी आपको जगह मिल रही है, अवसर मिल रहा है, किसी ध्यानात्मक अवस्था में बैठे हैं। योग का सिद्धांत है, अभ्यास की शुरुआत हमेशा प्रार्थना से करते हैं। तो प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, आईज क्लोज, बैक स्ट्रेट, एक ही प्रार्थना करेंगे गायत्री मंत्र, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। गायत्री मंत्र को सिर्फ मैकेनिकली बोलना नहीं है, उसको अनुभव करते हुए बोलना है। गायत्री मंत्र का भावार्थ को मन मस्तिष्क में फील करना है। गायत्री मंत्र का भावार्थ है उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप पापनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा निरंतर हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करें। ऐसे भाव के साथ करेंगे गायत्री मंत्र से शुरुआत। ओंकार के लिए लंबी गहरी प्राणवायु लें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से आंखें खोलें। योग का सिद्धांत है योग सेशन हमेशा प्रार्थना से शुरू करें और शांति मंत्र पर समाप्त करें। और अभ्यास के दौरान पहला अभ्यास हमेशा होता है डिटॉक्सिफिकेशन, योग की भाषा में इसको बोलते हैं षटकर्म क्रिया, शोधन क्रिया, शरीर की क्लिंजिंग करना, डिटॉक्सिफिकेशन, फिर आसन, उसके बाद प्राणायाम और फिर ध्यान। ये चार क्रम है योग। तो हम शोधन क्रिया से शुरू करते हैं। एक बहुत ही सामान्य शोधन क्रिया है, पूरा विश्व इसको जानता है, बहुत ही पॉपुलर है, कपालभाति। तो पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति का 30 सेकंड में, सिर्फ 30 स्ट्रोक। ध्यान ये रखना है, बहुत तेज चले तो भी अच्छा नहीं है, बहुत धीरे चले तो भी नुकसान करेगा। हमें चलना है सेकंड की सुई के साथ, 30 सेकंड में 30 स्ट्रोक्स लगाएंगे। लंबी गहरी प्राणवायु में दो तीन डीप ब्रेथ करिए। ये वह पहला चक्र कपालभाति का। एक चक्र और करेंगे कपालभाति, इस बार 40 सेकंड में 40 स्ट्रोक तक चले। दूसरा चक्र, श्वास लें, शोधन क्रिया की तुरंत बाद अभ्यास क्रम है, एक सिद्धांत है, हम उड्यान बंद कर सकते हैं, हमें उड्यान बंद करना चाहिए। हमने पता है IDSA और शुलनी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे पास एक ह्यूज ऑडियंस है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोग, जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं उसको फील नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस को करना है और फील करना है। तो कपाल भाती की तुरंत बात करेंगे उड्यान बंद। लंबी गहरी प्राणवायु भरें, पूरी श्वास बाहर करें और खींचे पेट को अंदर, श्वास बाहर करके होल्ड कर दिया, सिर्फ पेट को अंदर खींचें, जितना हो सके पेट को अंदर खींचें। उड्यान बंद लगाएंगे, आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब को, श्वास बाहर करके पेट को अंदर खींचा, उड्यान बंद लगा लिया, पेट अंदर है, जहां तक हो सके पेट को अंदर खींच के रखें। इसको बोलते हैं उड्यान बंद। ये हमारे पाचन को मजबूत करता है, हमारे पेट में जो पेरास्टेल्सिस मूवमेंट होता है डाइजेशन को अपडेट करता है, पेरास्टेल्सिस को अपडेट करता है। इस अभ्यास का नाम है उड्यान बंद। एक बार और करेंगे साथ साथ, चलिए श्वास लें, एक्सहेल,
दम फूले तो श्वास भरते हुए रिलैक्स। तो पहला अभ्यास हमेशा करते हैं कपालभाति डिटॉक्सिफिकेशन प्रैक्टिस, और दूसरे नंबर पे उड्यान बंद बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, आईवीएस है, इन सभी के लिए उड्यान बंद का बहुत महत्व है। अगला अभ्यास चलेंगे आसनों के क्रम में। आसन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आप जहां भी हैं। आसन हमेशा शुरुआत करते हैं आसनों की एंकर मूवमेंट से, पैर की उंगलियां जमीन पर, धीरे धीरे एंकर मूवमेंट करते रहें। एंकर मूवमेंट के बाद शुरू करेंगे नी मूवमेंट, धीरे धीरे घुटने उठाना शुरू करें ऊपर, धीरे धीरे रनिंग मूवमेंट में घुटने उठाना शुरू करिए ऊपर, धीरे धीरे घुटने उठाना शुरू करें ऊपर। आप डॉग साहब की तरह भी कर सकते हैं एक एक पैर को, और मेरी तरह क्विक मूवमेंट में भी कर सकते हैं। तो घुटने जहां तक लिफ्ट कर सकते हैं लिफ्ट करिए, ये हुआ एक नॉर्मल वार्म अप। यही से टर्न कर जाएंगे, हाथों को रखेंगे हिप में, हिप से हिप को टच करिए इस तरह से, ये एक नॉर्मल वार्म अप है। अगर हमने बिना वार्म अप के आसन शुरू किए तो फिर हमें बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, उतना समय नहीं है, तो हम सीधे वार्म अप करके चलेंगे आसनों में। तो आसन के क्रम में पहला अभ्यास हम करेंगे TTK, फर्स्ट टी फॉर ताड़ासन, नेक्स्ट टी फॉर त्रिकोणासन, और के फॉर कटी चक्रासन। फिर से बोलता हूं, तीन आसन से शुरुआत कर सकते हैं हम, ताड़ासन, त्रिकोणासन और कटी चक्रासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर के पंजे मिलाएं, घुटने टाइट करें, रीढ़ की हड्डी को कस के खींचे ऊपर, दोनों हाथों को साइड से उठा के ले जाए ऊपर, उंगलियां लॉक करके सर के ऊपर रख लेंगे हाथ को। श्वास के साथ करते हैं अभ्यास, तो श्वास भरते हुए शरीर को खींचे ऊपर, इस तरह से पूरे शरीर में खिंचाव देंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस, डॉक्टर साहब पीछे जा सकते हैं। एक बार फिर से इनहेल अप, श्वास भरते हुए शरीर को खींचिए, आप देख सकते हैं पूरा शरीर खिंचा हुआ है, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, बैक बोन, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट। धीरे से वापस एक चक्र और, इनहेल अप, श्वास भरते हुए शरीर खींचे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। ये हुआ पहला चक्र, पहला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन हमारी रीढ़ की हड्डी को खींचकर खिंचाव देता है, रीढ़ की हड्डी को खींच के फ्लेक्सिबल बनाता है। दिन भर बैठे रहने की वजह से या बैठ करके काम करने की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा सख्त और स्टिफ हो जाती है। ताड़ासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में भी खिंचाव आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। दूसरा अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे। त्रिकोण देखिए नाम से ही पता चलता है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल पोज, तो नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोणासन, हमें ट्राइंगल बनाना है। उसके लिए दोनों पैरों में गैप किया, राइट हैंड को लिफ्ट करेंगे, कान से मिलाया, श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए चले जाएंगे लेफ्ट, इस तरह से। ये लेफ्ट गए तो पूरी राइट बॉडी में स्ट्रेचिंग आ गई, बहुत बढ़िया। धीरे से वापस ऐसे राइट हैंड को नीचे लाया, लेफ्ट हैंड को लिफ्ट किया, श्वास छोड़ते हुए चले जाएंगे राइट, पूरे शरीर को खिंचाव दिया और धीरे से वापस। एक बार और देखें, सिर्फ राइट हैंड को लिफ्ट किया, श्वास ली, श्वास छोड़ते हुए चले गए लेफ्ट, पूरा राइट बॉडी स्ट्रेच करेगी। इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हम कम भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जितनी क्षमता है। धीरे से वापस, तुरंत लेफ्ट हैंड को लिफ्ट किया, श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए चले जाएंगे राइट साइड। पोस्चर नेम इज त्रिकोण आसन, ट्राइंगल पोज। डॉक्टर साहब का बहुत फ्लेक्सिबल शरीर है, धीरे से वापस। जो लोग इतना नहीं भी कर सकते, इससे कम बेंड करेंगे तो भी चलेगा। हम इसको और एडवांस अवस्था में भी कर सकते हैं ट्राइंगल पोज को। कैसे ट्राइंगल पोज को एडवांस में करने के लिए, आप एडवांस में करने के लिए दोनों पैरों के बीच में गैप करें, दोनों हाथों को लिफ्ट करें शोल्डर लेवल पे, शोल्डर लेवल पे लाना है, राइट टो को राइट साइड आउट करेंगे, राइट टो को राइट साइड आउट किया, श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए शरीर को धीरे धीरे राइट साइड झुकाना शुरू किया। राइट टो बाहर है तो हमें राइट साइड ही बेंड करना है, ये बात ध्यान रखें, और ऊपर वाली पाम पे फोकस करेंगे। अगर हमने टो को टच किया तो ठीक है, हमारा शरीर और फ्लेक्सिबल है, हम जमीन को छू ले तो भी बढ़िया जी, और अगर हमारा शरीर और फ्लेक्सिबल है, हम पूरे हाथ के पंजे को जमीन पर रख सकते हैं, तो और ज्यादा अच्छा। ये हुआ ट्राइंगल पोज, रोक के रखें। अभ्यास के दौरान अपर पाम पे गेज करना है, अपनी पूरी चेतना बस ध्यान देंगे कि जो भी अभ्यास करेंगे अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे, जितना बन पड़े उतना ही करेंगे। धीरे से वापस, राइट टो इनसाइड लिया, लेफ्ट टो आउट किया, श्वास भरी, इसी तरह श्वास छोड़ते हुए इस बार लेफ्ट साइड जाएंगे, या तो टो को टच करें या ग्राउंड को, या पूरी हथेली जमीन पर रख दें और अपर पाम पे घिस, कम से कम 5 सेकंड अभ्यास को रोकेंगे। लास्ट 5, 4, 3, 2, 1,
3, 2, 1 स्लोली कम बैक। ये हुआ दूसरा अभ्यास ट्रायंगल पोज त्रिकोणासन। करेंगे तीसरा अभ्यास के फॉर कटी चक्रासन। तीसरा अभ्यास है कटी चक्र, पैरों के बीच में गैप करें, 2 से 2.5 फीट का गैप करिए दोनों पैरों में, दोनों हाथ को उठाएं सामने, हथेलिया एक दूसरे की ओर। कटी चक्र का मतलब है, कटी का मतलब कमर, चक्र का मतलब उसको मरोड़ना, घुमाना। तो ये ट्विस्टिंग प्रैक्टिस है, श्वास छोड़ते हुए शरीर को ले जाएं लेफ्ट साइड। ध्यान रखना है कमर अपनी जगह पे, अपर बॉडी को ट्विस्ट करें। कमर खूब घुमा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कमर अपनी जगह, अपर बॉडी को ट्विस्ट किया है तो इंटरनल ऑर्गन्स में, विसरल ऑर्गन्स में ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा। स्लोली कम बैक, मिडिल पोज, सेम जाएंगे नेक्स्ट साइड। इसी तरह से मिडिल पोज, एक लेफ्ट, मिडिल पोज, नेक्स्ट राइट। हम इस अभ्यास को क्विक मूवमेंट में भी कर सकते हैं, बहुत तेजी से भी चल सकते हैं। एक बार देखिए डॉक्टर साहब को, फोर्सफुल लेफ्ट और राइट, तेजी के साथ लेफ्ट और राइट। ये आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, जैसा हमने कपाल भाती में फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया, बिल्कुल वैसी आवाज आ रही है। अगर इस तरह से फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये और इफेक्टिव होगा। लेकिन जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है थोड़ा सा वो ध्यान देंगे, फोर्सफुल उनको नहीं करना है, उनको स्लो मूवमेंट ही करना है ताकि जर्की मूवमेंट ना आए। कपालभाती में अक्सर लोग फेंट हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, तो उसके लिए उनको, उनके लिए हिदायत है कि कपालभाती के लोग इसको धीरे धीरे ही करें। ये हुए तीन अभ्यास। इन तीन अभ्यास का पहले थोड़ा सा महत्व समझें, क्यों हम लोगों ने आज एक दिन की क्लास में ये तीन आसन को क्यों लिया। इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एक शॉर्ट पैकेज है टीटी के, और एक तरह से इट्स वेरी यूजफुल टू ओवरकम फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जिनको कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव है टीटी के। कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि योग अभ्यास के लिए, अगर आपका बॉवेल क्लियर नहीं है, आपका पेट साफ नहीं है और आपने अभ्यास किए, तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। और आज वर्ल्ड वाइड एक डेटा है, पूरे विश्व में 70% से ज्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए योग से कैसे फायदा मिलेगा, अगर हम ये अभ्यास करें टीटी के। हम में से जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, वो लोग सुबह 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी, कोसा पानी, ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं। ल्यूक वार्म वाटर को 2 ग्लास पिया, और पीने के लिए भी कुछ सिद्धांत है, ऐसे नहीं कि खड़े खड़े पानी पी लिया, चेयर पे सोफे पर बैठ के पिया, कागासन में बैठ के पीते हैं। कागासन थोड़ा और पीछे जाएंगे, ये कागासन, कागासन ये होता है जैसा हम इंडियन स्टाइल में टॉयलेट जाते हैं, ये कागासन है। कागासन में बैठ करके अगर हम पानी पिएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। तो कागासन में बैठ करके 2 से 3 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस किया टीटीके, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन। ये हमारे बॉवेल मूवमेंट को बढ़ा देता है, पैरास्टेल्सिस को अपडेट करता है, तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत जल्दी रिलैक्स मिलता है कॉन्स्टिपेशन से। जिनको सुबह बहुत समय टॉयलेट में देना पड़ता है उनको एक अच्छा प्रेशर जनरेट हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे घर में 5 सदस्य हैं, हम 5 लोग हैं फैमिली में, और हम सब ने सुबह 2-2 ग्लास पानी पिया, हम सब ने एक साथ टीटीके करना शुरू कर दिया, तो घर में 5 टॉयलेट भी होने चाहिए, नहीं तो सबको एक साथ प्रेशर आ जाएगा और मुसीबत हो जाएगी। बात ये तीन आसनों की गई है, तो एक चीज ये भी बता दें, योग में हमेशा कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस है वो हम खाली पेट करें, लेकिन केवल यही 3 अभ्यास हैं जो योग में कहे गए हैं कि सुबह आप उठिए, ल्यूकवार्म वाटर इंटेक करिए और भरे पेट ये 3 प्रैक्टिस करिए, तो मोशन आपके अच्छे होंगे, आप अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे। और कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन के अलावा भी आपको, जैसे सर ने बताया, ताड़ासन करेंगे तो आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट सही होगा। जब आपने त्रिकोण आसन किया तो आपने देखा साइड स्ट्रेचिंग हुई, तो साइड स्ट्रेचिंग में आपके लेफ्ट साइड पैनक्रियास है और राइट साइड आपका लीवर है, तो इन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ये भी अच्छे से फंक्शन करेंगे। यानी डायबिटीज अगर है तो वो भी कंट्रोल होगी, फैटी लीवर है तो उसपे भी इफेक्ट आएगा। और जब आपने ये कटी चक्रासन कर दिया तो आपने पेट को पूरा मथ दिया, यानी जितने इस पार्ट में ऑर्गन हैं आपके वो कहीं ना कहीं टोनअप हो गए, और जो एक जंग लगा हुआ था उसमें, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे फंक्शन करने लगेंगे। जैसे किसी मशीन में आप ऑयल न डालिए तो कुछ दिन बाद जंग लग जाता है, वैसे अगर हम कुछ फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, सिर्फ खाते हैं, सोते हैं और काम करते हैं, तो क्या होता है, हमारे ऑर्गन भी धीरे धीरे
फंक्शनिंग कम कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होती है। और सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, हमारे पेट से शुरू होती है। तो पहले पेट सही रखिए, बाकी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। इसलिए ये तीन अभ्यास आपको बताए गए हैं। इसी क्रम में चलते हैं अगला अभ्यास। एक और प्रैक्टिस हमारे पास है, वृक्षासन, पाम ट्री पोज। इसको देखें कैसे करेंगे। पहले अभ्यास करते हैं फिर इसका महत्व बताएंगे। वृक्षासन के लिए ये एक स्टैंडिंग सीरीज का पोस्चर है, कहीं पर भी खड़े हो जाएं, आपके पास जो भी स्थान है। फिर दोनों पैरों को टाइट करने के बाद दाहिने पैर के घुटने को मोड़ें, एंकल को लगाइए पेरिनियम रीजन से जहां से पैरों का विभाजन है। दोनों हाथों को साइड से उठाएं, फिर आकाश की ओर टर्न करें और ऊपर ले जाके नमस्कार मुद्रा में रोक लें। ये पोस्चर है पाम ट्री पोज, वृक्षासन। वृक्षासन का बहुत महत्व है कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए। धीरे से वापस, और इस पोस्चर का सबसे ज्यादा महत्व है टू डेवलप योर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक बार फिर से नेक्स्ट स्लाइड। इस बार लेफ्ट नी जॉइंट को बेंड किया, हिल को लगाया पेरिनियम से, दोनों हाथ उठाया साइड से, हथेली आकाश की ओर टर्न की, प्रणाम में ले गए। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, अक्सर में दिखाई देता है अभ्यास। लेकिन अगर आप मेरे सामने ये कर रहे होते तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इस समय कथक, भांगड़ा और पता नहीं कौन कौन से डांस करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जिनका अभ्यास नहीं है वो इसको एक बार में रोक नहीं सकते, साध नहीं सकते। पोस्चर तो बहुत कॉमन है, अक्सर में फोटो में दिखता है, लेकिन बिना अभ्यास के ये सजता नहीं। जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके मन में हलचल है, बैठे एक जगह है, सोच कुछ और रहे हैं, वो लोग इस अभ्यास को साध नहीं सकते, रोक नहीं सकते। धीरे से वापस। इस अभ्यास का एक सरल तरीका यह है कि अगर हम इस अभ्यास में हिलडुल रहे हैं तो इस अभ्यास को करते समय अपना पूरा ध्यान किसी एक बिंदु पर लगा दें, तुरंत अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। ये हुआ वृक्षासन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए। अब सवाल उठता है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है हमारे दिमाग का शरीर के ऊपर नियंत्रण, हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल में रख सके, शरीर दिमाग के अनुसार काम कर सके। आज देखिए पूरे विश्व से एक लगातार एक डेटा आ रहा है, आज कार एक्सीडेंट से ज्यादा डेथ टॉयलेट स्किट्स में हो रही है। पूरे साल में जितने लोग कार एक्सीडेंट में मरते हैं उससे ज्यादा लोग टॉयलेट में गिर करके दुनिया से जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने बिजी शेड्यूल की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं करते जो हमारे शरीर को स्ट्रेंथन करें और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करें। रिजल्ट क्या होता है? अर्ली एजिंग हो रही है, समय से पहले लोग बूढ़े हो रहे हैं, शरीर और दिमाग का तालमेल टूट रहा है। अक्सर हम सुनते हैं हमारा कोई मेमोरी लॉस हो रही है। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई रिलेटिव सुबह सुबह उठे हमारे और वॉशरूम में गए फ्रेश होने के लिए, वही उनका पैर स्लिप किया, गिर पड़े, सर टकराया टाइल्स से, सिंक से, जमीन पर, मार्बल पर, और चोट लगी, थोड़ा सा ब्लड आया, ब्रेन हेमरेज, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू वीक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए वृक्षासन का बहुत महत्व है जो हम लोगों ने अभी किया। एक और आसन है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए, नटराज आसन। मुझे पता लगता है शायद आपको जानते भी हूं। एक और आसन हम यहां करने जा रहे हैं, तीसरा अभ्यास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए, उत्कट आसन। बहुत सिंपल सा अभ्यास है उत्कट आसन। इस तरह से पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे, इस तरह से पैर की उंगलियों पर बैठ जाएं। हम दोनों हाथ को घुटनों पर भी रख सकते हैं और दोनों कोहनी को घुटनों पर रख करके हाथ को ठुड्डी के नीचे लगा सकते हैं। ये हुआ उत्कट आसन। ये भी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है। एक तरह से बोलूं तो ये सारे अभ्यास बॉडी बैलेंसिंग हैं। ये शरीर को बैलेंस करते हैं, बॉडी को बैलेंस करते हैं। बॉडी हमारी तभी बैलेंस होगी जब मन हमारा एकाग्र होगा, कंसंट्रेट करेगा किसी चीज पे। मन कंसंट्रेट करेगा तो बॉडी अपने आप स्थिर हो जाएगी, और जो सर कह रहे हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अगला अभ्यास लेंगे सूर्य नमस्कार। अभी हम एक अभ्यास में चलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का, अर्धउष्ट और शशांक आसन। उष्ट फिर अर्धउष्ट और शशांक। ये उष्ट्रासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन के लिए बताऊं तो यही एक ऐसा अभ्यास है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन, इसमें घुटने पर खड़े हों, दोनों हाथ कमर पे रखें, हथेली ऊपर,
कलाई नीचे और ध्यान रखना है कोहनी एक दूसरे के पास, कोहनी फैलने ना पाए, कोहनी पास, हिप जॉइंट को पुश करते हुए इनहेल बैक, आराम से पीछे जाए, धीरे से वापस। ये अभ्यास हुआ अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास, यहीं पर चलेंगे एक बार फिर, हिप जॉइंट को पुश करते हुए अर्ध उष्ट, एक बार फिर से देखें, सिर्फ इतना करना है, कमर को सहजता के साथ ढकेल दे जाएं, गर्दन को पीछे लटकाते चले जाएं, अर्ध उष्ट, और 3 सेकंड रोक लें, 5 सेकंड रोके, 10 सेकंड रोके, अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे से वापस। हम में से जो लोग यंग हैं, जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है, जो कभी कभी स्पोर्ट्स करते हैं, वो एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं पूर्ण उष्ट्रासन के लिए। उसके लिए फिर इसी अवस्था में ही रहेंगे, लेकिन दोनों हाथ को सामने उठाएं, हथेली एक दूसरे की ओर, श्वास भरते हुए हाथ ले जाएं पीछे, दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजे पर इस तरह से रख दें, हाथ के पंजे पैर के पंजे पर, और पूरे मन मस्तिष्क से, पूरे मन से कमर को आगे ढकेलें। यह हुआ उष्ट्रासन का अभ्यास। धीरे से वापस। उष्ट्रासन बैकवर्ड बेंडिंग है, हमारी हिप जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग करता है, लोअर बैक को फ्लेक्सिबल बनाता है। और एक और सिद्धांत है योग में, काउंटर पोज करना होता है। अगर हमने फॉरवर्ड किया है तो बैकवर्ड, बैकवर्ड किया है तो फॉरवर्ड। तो मैडम ने भी किया, डॉक्टर साहब ने किया, अर्ध उष्ट और उष्ट्रासन जो कि बैकवर्ड बेंड है, तो हमें इसका काउंटर फॉरवर्ड बेंड भी करना चाहिए। उसके लिए दोनों घुटनों को दूर फैलाया, दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए हाथ रखें जमीन पर, फिसला के चले जाएं आगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ हिप हील को टच कर रहा है, चेस्ट और चिन जमीन पर है और दोनों एल्बोज स्ट्रेट हैं। ये पोस्चर है शशांक आसन, शशांक आसन। ये भी हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, लोअर बैक की, अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग करता है। अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी को बहुत समय तक आजकल लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है। जो लोग टीचर हैं, मेजॉरिटी लोग तो सब कुछ वर्चुअली कर रहे हैं, इसलिए हमें लैपटॉप पर, मोबाइल पर बहुत समय देना पड़ता है, तो नेक पे पेन आता है। नेक की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए शशांक आसन का बहुत महत्व है। धीरे से वापस आए। एक चीज और बताना चाहूंगी इसमें, कि जब भी हम इस प्रैक्टिस को करते हैं शशांक आसन को, तो चिन की जगह पे हम अपने फोरहेड को भी लगा सकते हैं, बस सर्वाइकल वालों को थोड़ा ध्यान रखना है वो ना लगाएं। अगर हम अपने फोरहेड को लगाते हैं तो ये हमारे मन को शांत करता है और रिलैक्स करता है। आपने सुना होगा क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जो प्रेस होता रहता है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और वहां जाकर के हम ऐसे माथा टेकते हैं और थोड़ी देर वहां रुकने के बाद, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या जो भी आपका है चर्च, थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमें मंदिर से मस्जिद से निकलने के बाद, गुरुद्वारे से निकलने के बाद, चर्च से निकलने के बाद बड़ा अच्छा रिलैक्स फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम फोरहेड को टच कराते हैं ग्राउंड से, तो हमारे यहाँ पे एक पॉइंट होता है, वो प्रेस होता है और हमारा मन वहां से अच्छी जगह से निकलने के बाद रिलैक्स हो जाता है। तो जब भी हमें मन अशांत लगे, हम अपने आप को स्ट्रेस्ड फील करें, टेंशन में रहें, तो कुछ देर हमें शशांक आसन करना चाहिए। इसके बाद आपको पक्का है बहुत ही अच्छा फील होगा और रिलैक्स मिलेगा आपकी प्रॉब्लम्स में। तो इसमें क्या करना है, सिंपल पैरों को मिला के कर सकते हैं, गैप के साथ गए और अपने फोरहेड को ग्राउंड से लगा दिया और धीरे से वापस। तो समय तेजी से निकल रहा है, हम 4 आसन और करेंगे सिर्फ शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए। पहला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन शरीर का ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ये हम सबके लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को मधुमेह है, डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट के लिए वक्रासन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो फिट हैं उनको आने वाले समय में डायबिटीज ना हो, इसके लिए भी वक्रासन जरूर करें। तो वक्रासन में दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन का मतलब दोनों पैर सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। यहीं पर पहले राइट नी जॉइंट को लिफ्ट करें, ध्यान रखिए राइट नी को लिफ्ट किया, दोनों हाथ उठाएंगे शोल्डर लेवल पे और राइट साइड ही ट्विस्ट कर जाएंगे। राइट हैंड, राइट नी जॉइंट को लिफ्ट किया था तो राइट साइड ट्विस्ट किया और राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से राइट एंकल जॉइंट को पकड़ लिया। दूसरे हाथ को पीछे हम जमीन पर भी रख सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो कमर पे और नहीं तो ऐसे जमीन पर रख सकते हैं। जो लोगों में हम जमीन पर यहाँ इसलिए रखवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यूज तो नहीं है योगाभ्यास के साथ, तो आज पहले दिन जमीन पर रखे ही करें ताकि शरीर में प्रेशर ना हो और कंधे को घुमाते रहना है, ठीक पीछे की दीवार देखने का प्रयास करना है। इससे आप जैसे ही इस अभ्यास को करेंगे आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा, पेट पे पता चलेगा कि बार बार मेरा एब्डोमेन जा करके थाइस को टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस दौरान आपका बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, उसके फुलफिलमेंट के लिए आपका दम फूलना शुरू होगा, ब्रेथ रेट बढ़ जाएगा और वो हमको फील आएगा एब्डोमिनल रीजन पे। स्लोली कम बैक।
इसी प्रैक्टिस को दूसरी साइड से भी करना पड़ता है, डॉक्टर साहब पैर इधर घुमा लें ताकि लोगों को दिखता है। अगेन सेइंग, अगर आप हमारे साथ हैं तो प्रैक्टिस करते चलें। लेफ्ट नी जॉइंट को बेंड किया, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, हाथ से पैर की एड़ी को पकड़ा, दूसरा हाथ पीछे और शरीर को घुमा दिया। इस पोस्चर का विशेष बिंदु क्या है? इस अभ्यास में पांच चीजें एक साथ होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। कौन कौन सी पांच चीजें? जो पैर सामने है उसका पैर, उस पैर का पंजा, जिस पैर को मुड़ा उसका घुटना, दोनों कंधे और पीछे वाला हाथ। ये पांच चीजें अगर एक लाइन में आ गई तो बॉडी का प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया और इसका सही इफेक्ट मिलेगा। किन के लिए अच्छा है? मधुमेह के पेशेंट के लिए, डायबिटीज वालों के लिए। स्लोली कम बैक। ये हुआ एक अभ्यास वक्र, इसी में करेंगे। इसी सीरीज में दूसरा अभ्यास मंडूकासन। मंडूकासन के लिए फिर से वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ में मुष्टिका बनाए इस तरह से, एब्डोमेन में लगाए इस तरह से, श्वास भरें, श्वास भरें इस तरह, श्वास छोड़ते हुए कर जाए बेंड फॉरवर्ड। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने पूरा बेंड किया, लेकिन गर्दन उठी है, गर्दन को नहीं लटकाना है, अदरवाइज नेक में पेन आ सकता है। तो गर्दन को उठा के रखेंगे, इस तरह से अभ्यास करें धीरे से वापस। इस अभ्यास को करते समय फोर्सफुल एक्सहेल करना चाहिए, श्वास पेट से छोड़ें। तो दो राउंड और चलेंगे साथ साथ, वापस एक बार फिर से साथ साथ, और सहजता के साथ वापस। यह हुआ मंडूकासन का अभ्यास। पहले हमने किया वक्रासन, फिर मंडूकासन। जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर वो इन दोनों अभ्यास को कुछ समय तक सुबह और शाम दोनों अभ्यास के कई कई राउंड कर लें तो डायबिटीज पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज लेवल को। लेकिन जो हेल्दी हैं वो भी जरूर करें ताकि आने वाले समय में डायबिटीज की गुंजाइश ही ना रहे। इन दोनों आसन के बाद हम दो आसन और लेंगे, एक भुजंगासन और दूसरा सेतुबंधासन। भुजंगासन इसलिए क्योंकि ये हमारी अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग करता है और सेतुबंधासन हमारी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग करता है। भुजंगासन के लिए मैट पर लेट जाना है, जमीन पे सामान्य लेट जाएं, दोनों पैर के पंजे मिले हुए रहें, हाथ को मोड़ करके ले जाएंगे कंधों के नीचे इस तरह से, ध्यान दीजिए हाथ के पंजे कंधों के नीचे, फोरहेड ग्राउंड पर लेने, चेस्ट और फोरहेड ग्राउंड पर, ये हथेली 90 डिग्री पर होनी चाहिए, यहाँ जमीन से 90 डिग्री पर, पैर के पंजे मिले, श्वास भरते हुए सिर्फ बैकबोन से सपोर्ट लेंगे, ध्यान रहे हमने हाथ को सिर्फ पोजिशन के लिए रखा है, बैकबोन से सपोर्ट लेते हुए इन्हें रहना, हाथों से ताकत नहीं लगाएंगे, ये पूरा बैकबोन से जाना है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोबरा पोज। धीरे से वापस, कोबरा हाथ से ताकत नहीं लगाता है, सिर्फ स्पाइन के सपोर्ट से उठता है, इसी तरह से इसको भी कोबरा पोज कहा है, कोबरा की तरह स्पाइन का सपोर्ट लेना है। एक बार फिर इन्हें लेना, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, ये देखिए बिल्कुल कोबरा पोज। वापस एक लास्ट राउंड और करेंगे, इन्हें लेना, लास्ट राउंड इन्हें ला, ये हुआ कोबरा पोज। धीरे से वापस, इसमें देखिए बैकबोन से सपोर्ट ले रहे हैं तो लोअर बैक के लिए अच्छा है, लेकिन अपर बैक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग करता है। तो कोरोना काल में भुजंगासन को बिल्कुल नहीं भूलना है, कोरोना काल में भुजंगासन को रोज सुबह शाम करना है। यही टर्न कर जाएंगे सेतुबंध के लिए, सेतुबंध में लेटने के बाद दोनों पैर के घुटने मोड़ लिए इस तरह से, हाथ से टोस एंकल ज्वाइंट को पकड़ लिया तो ठीक है, अगर हाथ से एंकल को पकड़ लिया तो ठीक, अगर नहीं पकड़ सकते टच किया तो भी चलेगा, और हम टच भी नहीं कर पा रहे तो हथेली जमीन पर रख दें वो भी चलेगा, लेकिन अगर पकड़ सकते तो बहुत बढ़िया। और इस जगह श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठा देंगे, ये देखिए डॉक्टर साहब का शरीर काफी फ्लेक्सिबल है तो उनकी कमर बहुत ऊपर है, हम थोड़ा भी कमर को उठा पाएंगे जमीन से, हमारी कमर जमीन से उठ गया, हिप जॉइंट ने जमीन को छोड़ दिया, ये भी बहुत इफेक्टिव होगा। तो हम जितना अभ्यास करेंगे उतना फायदा जरूर मिलेगा, और आपको आपका अभ्यास ही फायदा देगा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मुझे 1% भी फायदा नहीं देगा, मैं थोड़ा भी करूंगा मुझे उससे फायदा मिलेगा। तो ये इस तरह से अभ्यास को रोक के रखें, इट इज नोन एज सेतु बंध आसन, इंग्लिश में बोले तो ब्रिज पोज। वापस एक बार और देखिए, हाथ से एड़ी पकड़ के रखा, श्वास भरने के साथ कमर को उठा दिया ऊपर, अब सामान्य श्वसन के साथ ब्रिज आती जाती रहे, पोस्चर को रोक के रखना है धीरे से वापस। ये हुआ एक सामान्य कॉमन प्रोटोकॉल जो हर आदमी कर सकता है। ध्यान दें, हमने खड़े होकर के कराया आपको चार आसन, पहले टीटी के, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, जो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, शरीर का अलाइनमेंट करेंगे और साथ में कॉन्स्टिपेशन पर भी अच्छा इफेक्ट करेगा,
उसके तुरंत बाद हमने न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए किया वृक्षासन उत्कटासन। बैठ करके चार आसन किए हमने। सबसे पहले तो किया फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग के लिए उष्ट और शशांक आसन। उसके बाद दो आसन हमने और लिए बैठ के, एक वक्रासन और मंडूकासन जो डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर लेट करके दो आसन लिए, एक भुजंग और एक सेतुबंध। भुजंग इसलिए क्योंकि कोरोना काल में हमें अपनी गर्दन को मजबूत रखना है, सेतु इसलिए क्योंकि कोरोना काल में बैठना बहुत पड़ रहा है इसलिए कमर को भी मजबूत रखना है। अगर आप इतने सारे आसन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते, आपका बहुत ज्यादा व्यस्त दिनचर्या है, तो अब हम लोग आज का सबसे सबसे इफेक्टिव और विशेष अभ्यास करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। आज सूर्य ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण के दिन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अगर सूर्य नमस्कार नहीं किया तो बात पूरी नहीं होगी। तो सूर्य नमस्कार, करेंगे सूर्य नमस्कार। डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इसके लिए सामान्य अवस्था में खड़े हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। वन, सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ को उठा के ले जाएं ऊपर, ये श्वास भरत, ये हुआ नमस्कार। हम एक छोटी प्रार्थना भी कर सकते हैं, आदित्यस्य नमस्कार यः कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ले जाएं पीछे, श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे ले जाएं, पादहस्तासन, यहीं से दाहिने पैर को ले जाएं पीछे। ये अवस्था है अश्व संचलन आसन की, यहीं पर दोनों पैर पीछे ले गए, पर्वत आसन। फिर छठी अवस्था अष्टांग नमस्कार, सातवीं अवस्था भुजंग आसन, आठवीं अवस्था पर्वत आसन, नवी अवस्था बायां पैर आगे लाएं। ध्यान दें, जो अवस्था चौथे नंबर पे थी वही हमारी नवे नंबर पर होनी चाहिए। फिर दूसरे पैर को आगे लें, पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हाथ ले जाएं पीछे, हस्तोत्तान और नमस्कार मुद्रा। ये हुआ एक चक्र सूर्य नमस्कार का। एक बार एक चक्र और देख जाएं ताकि हमें अभ्यास हो। श्वास भरते हुए वन प्रणामस्कार, फिर टू हस्तोत्तान आसन, हस्त उत्तान हाथ को पीछे ले जाना, थ्री बेंड फॉरवर्ड पाद हस्तासन हाथ पैर को मिलाना, फोर लेफ्ट लेग बैक अश्व संचलन, फाइव राइट लेग बैक पर्वत आसन, पर्वत आसन में गर्दन मोड़ के अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें, सिक्स पोज अष्टांग नमस्कार, आठ अंगों से सूर्य देव को नमस्कार करना कहलाता है अष्टांग नमस्कार, सेवेंथ पोज भुजंग आसन, एट्थ पर्वत आसन वापस जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस, नाइन अश्व संचलन आसन, टेंथ पादहस्त आसन, श्वास भरते हुए इलेवन, और ट्वेल्थ पोज नमस्कार मुद्रा, धीरे से वापस। ये हुए सूर्य नमस्कार के दो चक्र। अगर हम सूर्य नमस्कार को अपनी, हम सारे अभ्यास नहीं कर सकते, हम सभी अभ्यास नहीं कर सकते, तो ये सूर्य नमस्कार को कर लें, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होता है सूर्य नमस्कार। अभ्यास के बाद आपके पास समय होगा, आप शवासन करें या शरीर को रिलैक्स करें, काम करें, उसके बाद प्राणायाम का भी महत्व है। प्राणायाम कराएंगे डॉक्टर साहब, तो ही हम लोग सामान्य प्राणायाम करते हैं, जिनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो करें नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ की दो उंगलियों को अंदर मोड़ें, कनिष्ठा और अनामिका को बाहर ले जाएं, अंगूठे को इस तरह से रखें, ये हुआ इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को मोड़ लिया, बाकी की फिंगर्स आपके तीन बचे, रिंग और शॉर्ट को बाहर किया, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से लंबी गहरी श्वास ली, राइट से एक्सहेल किया, लेफ्ट से लिया था राइट से बाहर किया, वापस राइट साइड से श्वास भरी और लेफ्ट से एक्सहेल किया। अभ्यास का नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप में से कई लोग कह रहे होंगे इसे तो हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, वो भी सही, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम दोनों से अभ्यास है। तो ये अभ्यास कम से कम 9 चक्र जरूर करें सुबह शाम। एक बार और देखेंगे, लेफ्ट से लिया, राइट से एक्सहेल, बिल्कुल इसी तरह
और राइट साइड से लंबी गहरी श्वास भरी। जितनी देर में श्वास भरें कोशिश करें उससे अधिक देर में रेचक करें लेफ्ट से एक्सेल। जितनी देर में श्वास लिया उससे ज्यादा देर में अगर हम छोड़ सकते हैं तो ये और इफेक्टिव होगा। ये हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम। योग के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी 72,000 नाड़ियों को क्लीन करता है, अपडेट करता है, शुद्धि करता है उनकी। अभी बात की थी भारद्वाज सर ने कि इम्यून पावर को कैसे बढ़ाया जाए, तो आसन करके आप अपने शरीर को फिट रखते हैं, फिजिकली स्टेबल करते हैं शरीर को, और प्राणायाम करके आप अपनी ब्रीदिंग को अच्छा करते हैं, ब्रीदिंग अच्छा करके आप अपनी इम्यून पावर को बढ़ाते हैं। कैसे? अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, नाम सब जानते होंगे, आयरन कंटेंट, हमारे ब्लड में आयरन कंटेंट होता है, आयरन हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलता है। हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन ले पाते हैं, लेकिन जब डीप इनहेल करते हैं तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो जो ब्लड में आयरन कंटेंट है, हीमोग्लोबिन है, उससे जाकर के हमारा ऑक्सीजन मिलता है। जब ऑक्सीजन इनहेल किया ब्रेथ के साथ ब्लड में गया, ब्लड में पहले से प्रेजेंट आयरन कंटेंट हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले तो क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारे श्वास के लिए, हमारे इम्यून पावर को बढ़ाए रखने के लिए आयरन कंटेंट का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। तो आयरन कंटेंट को बढ़ाना है अपनी बॉडी में, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना है, इम्यून पावर को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। जितना ज्यादा इनहेल करेंगे उतनी मात्रा में प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अगला प्राणायाम, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जो बहुत एग्रेसिव है, जिनके अंदर बहुत शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, उनके लिए शीतली प्राणायाम और चंद्रभेदी। हम एक ही करते हैं शीतली, ध्यान रहे ये सबके लिए इफेक्टिव है। आजकल गर्मी बहुत है, कुछ एरिया में तो बहुत गर्मी पड़ रही है नीचे, हम तो भाग्य से हिमाचल में बैठे हुए, हिमाचल स्वर्ग है अपने आप में, लेकिन कुछ एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहाँ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन रहता है। हम लोग भी 8 साल तक दिल्ली में थे और हमने देखा लोगों में बहुत एग्रेशन रहता है गर्मी के दौरान। उसको कम करने के लिए, शरीर को कूल करने के लिए अभ्यास है शीतली। शीतली जैसा नाम है वैसा ही, शीत मतलब ठंडा और लिया। कैसे करेंगे, जुबान को रोल किया इस तरह से, जुबान का पाइप बनाया, कौवे की चोंच की तरह जुबान को घोल किया, और मुंह से श्वास भरेंगे इस तरह से, और नासिका से रेचक, मतलब इनहेल माउथ से किया और एक्सहेल फ्रॉम नॉस्ट्रिल, श्वास ली मुंह से और नॉस्ट्रिल से उसको धीरे से एक्सहेल कर दिया। एक राउंड और, मुंह से श्वास ली, नाक से एक्सहेल किया। हम एक और प्राणायाम कर सकते हैं शीतकारी, इसमें दोनों दांतों के मार्जिन आपस में मिलाएंगे, पीछे से जुबान को लगाया, टंग को टच किया, मुंह से इस तरह से सी की आवाज करते हुए श्वास भरेंगे और नासिका से बाहर। एक बार फिर, ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। इन दोनों प्राणायाम का शरीर को शांत करने में, एग्रेशन को कम करने में, गुस्सा को कम करने में, बीपी बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा महत्व है। इसी का वाइस वर्सा, उल्टा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका बीपी लो रहता है, जिनको बहुत घबराहट होती है, जिनको डर लगता है, उनके लिए दूसरा अभ्यास भस्त, डिप्रेशन और इंट्रोवर्ट भी होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जिनको डिप्रेशन है, जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए सामान्य अवस्था में बैठे, फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल करेंगे, लगभग 20-30 स्ट्रोक्स। कैसे, तेजी से श्वास को लेना है, छोड़ना है। कपालभाति से कंपेयर ना करें, कपालभाति में केवल फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो रेशियो 50-50 का होता है, यानी 50% इनहेल फोर्सफुली और 50% एक्सहेल फोर्सफुली, जिसे हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार की धौकनी की भांति। अब जब 20 स्ट्रोक पूरे हो गए तो 21वें राउंड में हमें एक राउंड करना है सूर्य भेदी प्राणायाम। कैसे किया सूर्य भेदी, राइट नॉस्ट्रल से श्वास भरी और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर दिया, श्वास को नॉर्मल करने के लिए। तो 20 बार तेजी से श्वास लेना है, छोड़ना है, और जब 20 बार 20 टाइम आपका भस्त्रिका पूरा हो जाए तो आपको 21वें टाइम पे क्या करना है, एक राउंड सूर्य भेदी का, इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल और एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, डिप्रेशन को कम करता है, लो बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और प्राणायाम के क्रम में एक अंतिम प्राणायाम बताना चाहते हैं हम लोग,
आज कोरोना काल में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो है ही। जो बिल्कुल फिट लोग थे उन्हें भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, कहीं हमारे पास में कोई कोरोना वाला तो नहीं, ऐसा तो नहीं है वो छींक देगा मैं इनहेल कर लूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है जहां पर मैं हाथ रखने वाला हूँ यहाँ पर पहले कोई कोरोना पॉजिटिव हाथ रख के गया है, मैं जिसको छूने वाला हूँ वहां पर पहले कोई कोरोना पॉजिटिव टच करके गया है। जो लोग बहुत पॉजिटिव वे में जीते थे उनको भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, भय सा बैठ गया है लोगों में कि कहीं मुझे हो तो नहीं जाएगा, दूर ही रहो, लोगों से दूर ही रहो। एवरीवन हैव अ हैवक ऑफ कोविड-19, तो उस हैवक को कैसे कम करें उसके लिए अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी के लिए कई तरह से होता है भ्रामरी, हम सबसे सरल तरीके से करने जा रहे हैं। तर्जनी उंगली को कान में इस तरह से लगाएं कि बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाएं, हमको बाहर का कुछ भी सुनाई ना दे, और अपनी जिह्वा जुबान के टिप को अपर पैलेट से टच कर दें, इससे आपको ये और इफेक्टिव हो जाएगा। और अब हमें हमिंग साउंड करनी है, स्टार्ट करें डॉक्टर साहब हमिंग साउंड, और उसको फील कैसे करेंगे, अपने ये टेम्पोरल रीजन पे कान के पास यहां पर एक हमिंग साउंड आएगी, उसको फील करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे एक राउंड और देखिए डॉक्टर साहब का, बाहरी दुनिया से एकदम अलग, श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए नाक से श्वास छोड़ेंगे और हमिंग साउंड निकालेंगे। ये पूरा हमिंग साउंड का वाइब्रेशन इस रीजन पे आ रहा है टेम्पोरल पे, इसको फील करना है, यहां पर होने वाले वाइब्रेशन को फील करेंगे। आप घर में जब अभ्यास करें इसको 5 बार 7 बार 11 बार करिए, और 11 बार के बाद आंख खोल के देखिए आपको कितना इफेक्ट लगेगा। कभी एग्रेशन आ रहा हो, स्ट्रेस हो रहा हो, आंखें बंद करके अगर ये मुद्रा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप जुबान की को अपर पैलेट से टच करके सिर्फ 5 बार हमिंग साउंड को यहाँ पर फील करें, और उसके बाद देखें कि आपको कितना रिलैक्स लगेगा। जी, साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये शायद अभ्यास हमारे मेमोरी पावर को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। हमारे टेक्स्ट में है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी से लेकर के एक बूढ़ा व्यक्ति इस अभ्यास को करे, यानी गर्भ में पल रहे बच्चा है अगर और प्रेग्नेंट वुमन करती है इस अभ्यास को, तो बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ती है, इस पे रिसर्चेस भी हुई हैं, और बूढ़े व्यक्ति तक मतलब हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए। एक्चुअली मैं साइंस की भाषा में बताऊं तो हम लोगों ने 10th में फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था वेव, जिसमें 6 तरह की वेव थी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई। लेकिन आज डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन से भी लगातार 4 तरह की वेव्स निकलती हैं, बीटा अल्फा डेल्टा और थीटा। तो उसमें जो बीटा वेव है ये सबसे अच्छी है, अगर ये ज्यादा हुई तो हमारे अंदर कामनेस, रिलैक्सेशन, गुडनेस, फील गुड लगातार बढ़ता जाएगा। और इसी में जो चौथी वेव मैंने बोला अल्फा बीटा अल्फा डेल्टा और थीटा, तो थीटा वेव हमारे अंदर डुअल फेज लाता है, द्वंद पैदा करता है। सपोज मुझे एक फोन आए कि आजा सुबोध आज कहीं घूमने चलते हैं, और मैं सोचना शुरू कर दूं जाना है नहीं जाना है, अच्छा चला जाता हूं, अरे छोड़ो काम बहुत है, मतलब एक तरह का डिलेमा आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ थीटा वेव। अगर थीटा वेव बढ़ गई तो मैं हमेशा द्वंद में, कंफ्यूजन में रहूंगा। और इसीलिए बोलते हैं योग के लिए महर्षि पतंजलि ने बोला है, आसन के लिए स्पेशली, अगर आसन किया जाए तो सभी प्रकार के द्वंद मिट जाते हैं, तत्व द्वंदा नाभि घात। अगर आसन का अभ्यास किया तो जीवन से सभी प्रकार के द्वंद मिटते हैं। इसका मतलब महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि अगर आसन कर लिया तो भी बीटा वेव बढ़ जाएगी और थीटा वेव खत्म हो जाएगी। तो ये है शूलिनी विश्वविद्यालय की तरफ से योग को लेकर के एक छोटा सा योगा प्रोटोकॉल जो हर व्यक्ति कर सकता है, और स्वस्थ रहने के लिए हर व्यक्ति को जरूर करना भी चाहिए। हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। मैं छोटा सा शांति मंत्र कर लेता हूं सर। जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद श्री चेतन जी जी।
धन्यवाद डॉक्टर सुबोध, धन्यवाद डॉक्टर माला, एंड आई थिंक आज जितने भी व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया लाइव, और वैसे रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक पेज पे अब आगे भी रहेगी, एटलीस्ट मैं तो इसे रोज नियमबद्ध तरीके से दोबारा रिकॉर्डिंग को देख के करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो मुझे सबसे अच्छा लगा सर कि आपने जिस आसान तरीके से कठिन आसनों को भी समझाया, वो वाकई मैं उसके लिए आपका कृतज्ञ रहूंगा। और जिस तरह से आपने कहा टीटी के आसन, अब इंडिविजुअली ये आसन बड़े थोड़े से शायद सुनने में या उच्चारण करने में बड़े लगे, पर जिस तरह से आपने इसको सिंपल साधारण भाषा में टीटी के आसन बताया कि ये बॉल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है, वो काफी अच्छा था। या आपने जिस तरह से साधारण सत्कार आसन आपने बताया कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, वो बहुत अच्छा था। आपने उत्कट आसन, मैंने ये भी देखा कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद बहुत कठिन आसन होते हैं जिसको अनलेस आप नहीं करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, तो पर आपने समझाया कि किस तरह से साधारण से दिखने वाले आसन थे, उत्कट आसन आपने सिखाया, या आपने वो हमिंग साउंड वाला आसन सिखाया, ये आई थिंक कोई भी कर सकता है बिगिनर के तौर पर। ये आपने बहुत ये आपने बहुत अच्छे तरीके समझाया सर, और आई एम श्योर हमारे पूरी डायरेक्ट सेलिंग फ्रेटर्निटी को बहुत इससे सहायता मिली होगी, बहुत इससे आगे मदद मिलेगी। और मैं अंत में एक बार फिर से आईडीएसए के बिहाफ पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रबंधन का, डॉक्टर सुबोध का, डॉक्टर माला का और डॉक्टर कमलकांत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए आज एक स्पेशल सेशन रखा, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।